सुनाती हूँ आपको मोहन काका की कहानी, जो माधोपुर और आसपास के इलाके में कई सालों से चिट्ठियां बांटा करते थे। हर घर को लगभग जानते सा थे। एक दिन जब डाक मिली मोहन काका को, तो उसमें एक चिट्ठी थी, जो कि थी तो माधोपुर के पास की ही, लेकिन उस पते पर उन्होंने पहले कभी चिट्ठी नहीं दी थी। जानते नहीं थे उस घर में किसी को। दिन भर सारी डाक सारी चिट्ठियां बांटने के बाद उस पते को ढूंढते हुए पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए। मन ही मन इन्होंने सोचा कि बताओ मैं चिट्ठी लेकर इतनी दूर आ सकता हूं और ये महारानी दरवाजे तक नहीं आ सकती है। थोड़ा खींचते हुए इन्होंने कहा कि देखिए रजिस्ट्री है, साइन करना पड़ेंगे, बाहर आइए। उसने कहा ठीक है आती हूं। अंदर से ऐसी आवाज आई। उसके काफी देर बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो ये मतलब काफी अधीर हो गए, काफी इरिटेट हो गए और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहा कि मेरे पास एक ही काम नहीं है, और भी चिट्ठियां डाक बांटनी है, जल्दी आइए। इतने में जब दरवाजा खुला तो मोहन काका के होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक 10-12 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। किसी तरह घिसट कर दरवाजे तक आकर दरवाजा खोली थी और बोली, माफ कीजिएगा मुझे आने में जरा देर सी हो गई। मोहन काका को बहुत शर्मिंदगी हुई अपने व्यवहार की और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रजिस्ट्री दी, साइन कराई और वहां से चले गए। 8-10 दिन बाद फिर से उसी पते की जब चिट्ठी आई तो मोहन काका ने एड्रेस पर पहुंचकर डोरबेल बजाते हुए बाहर से ही आवाज दी कि चिट्ठी आई है और आज साइन करने की भी जरूरत नहीं है, दरवाजे के नीचे से डाल दूं। तो अंदर से लड़की की आवाज आई कि नहीं नहीं रुकिए मैं आ रही हूं। दरवाजा खुला, लड़की ने चिट्ठी ली और साथ में एक गिफ्ट दिया, एक तोहफा, और बोली, काका ये आपके लिए, चिट्ठी के लिए शुक्रिया। काका ने शर्मिंदा होते हुए वो ले तो लिया तोहफा, लेकिन कहा कि इसकी क्या जरूरत थी। भूली, नहीं नहीं ये आपके लिए है, लेकिन इसको घर जाकर ही खोलिएगा। घर जाकर जब काका ने उस तोहफे को खोला तो पता है उसमें क्या था? उसमें एक जोड़ी चप्पलें थी। मोहन काका सालों से पूरे गांव में बिना चप्पलें पहने चिट्ठियां बांटते थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया था, किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। और ये नन्ही सी बच्ची जिसके खुद के पैर नहीं है, उसने इनकी तकलीफ को समझकर उन्हें चप्पलें गिफ्ट की। कलेजे से चप्पलों को लगाकर बहुत रोए मोहन काका। एक्चुअली अगर हम इंसान है ना, तो हमारा संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना जरूरी है, वरना हम कैसे इंसान हैं? आज के दौर में हर किसी को अपनी परेशानी नजर आती है, लेकिन अपनी परेशानी छोड़, जो दूसरे की परेशानी को, दर्द को महसूस कर सके, वही तो सच्चा इंसान है। एक पैर कटी हुई लड़की के दूसरे के दर्द को समझने की कहानी में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आइए इस मैसेज को लेते हैं, किसी का दर्द समझने की कोशिश करते हैं, किसी के नंगे पैरों को चप्पल देते हैं। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा करते हैं। चलो आज कुछ अच्छा।